राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। हम अपने पिछले कुछ वीडियो से सुखी दांपत्य जीवन के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स की चर्चा कर रहे हैं, खासतौर से स्त्रियों के लिए। पत्नियों को अपने ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके लिए हम कुछ व्यवहारिक टिप्स बता रहे हैं। और इसी क्रम में आज भी एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखने सुनने का प्रयास करें। अगर मेरे द्वारा बताए गए व्यवहारिक टिप्स को अपने जीवन में उतारते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश, कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। आप लोग के वैवाहिक जीवन में मधुरता व्याप्त हो जाएगी। हम अपने विषय पर ही चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए ध्यान से देखने सुनने और समझने का प्रयास करें। प्रायः कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है कि पत्नी की कोई सहेली या पत्नी के पीहर में, मैके में कोई स्त्री कोई ज्वेलरी खरीदती है या कोई साड़ी खरीदती है, तो पत्नी के मन में भी यह इच्छा व्याप्त हो जाती है कि वह इस तरह की ज्वेलरी खरीदे, इस तरह की साड़ी खरीदे, और वह अपनी इच्छा पति को बताती है, व्यक्त करती है। कभी कभी पति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। इस बात को लेकर के भी कभी कभी पत्नी अपने पति से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर लेती है, क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर लेती है और आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल भी हो जाता है। पत्नी को इस बात का अवश्य विश्वास होना चाहिए कि अभी पति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जो ही पति की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो उसकी मांग जरूर पूरी हो जाएगी। जब भी पति के पास पैसे आएंगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी, इसका विश्वास पत्नी को अपने पति से अवश्य रखना चाहिए। और अपनी इच्छा को व्यक्त जरूर करें, मगर उस इच्छा को पूरा कराने के लिए पति पर अनावश्यक रूप से कोई दबाव ना दें। अगर आप ऐसा करती हैं, अनावश्यक रूप से पति को दबाव देती हैं, तो आप लोग के आपसी तालमेल में काफी दिक्कतें आएंगी। आप लोग का प्रेम, आपसी सामंजस्य कमजोर होता जाएगा और आप लोग के वैवाहिक जीवन में क्लेश, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता जाएगा। अतः पत्नी को इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे आप लोग का आपसी प्रेम, सौहार्द, आपसी सामंजस्य में वृद्धि हो सके। मेरे आशय को आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, कोई मानसिक समस्या, कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो रही हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो, अपना डेट ऑफ बर्थ का पूरा डिटेल और अपने हस्तरेखा का फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके, कुंडली को रीड करके, हस्तरेखा को रीड करके उचित मार्गदर्शन करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो यंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, वो अन्य भारतीय विद्याएं, वो अन्य साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्मसम्मोहन साधना, दिव्य वशीकर साधना, चित्र वशीकर साधना, टेलीपैथी, त्राटक, वो अन्य विद्याएं, वो अन्य साधनाएं सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।